नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे। मैंने एक सवाल पूछा था कि Q100 की ब्रांच पर C118 का NC इंटरलॉक क्यों लगाया गया है। तो काफ़ी लोगों ने इसका अच्छा जवाब दिया है और काफ़ी लोगों ने गलत जवाब दिया। जब गलत जवाब देने वाले भी अधिक हो जाते हैं तो फिर मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि सब लोगों को सही जवाब का मालूम पड़े। और कई लोग उसको समझ पा रहे हैं लेकिन जवाब देने की लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हैं कि इसको कैसे उत्तर दिया जाए। तो इसको आइए समझ लेते हैं ताकि सभी लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और सभी लोगों का नॉलेज परफेक्ट हो जाए। तो Q100 को देखिए, सप्लाई CCA फ्यूज़ से मिलती है, 6 एम्पियर का फ्यूज़ है और यहाँ से सप्लाई आ रही है। ये बैटरी का सर्किट है, कंट्रोल सर्किट। DJ का एक एनो इंटरलॉक लगा हुआ है। DJ जब क्लोज होगा तो ही Q100 इनर्जाइज होगी। जब तक DJ क्लोज नहीं होगा Q100 इनर्जाइज नहीं होगी। तो DJ क्लोज हो चुका है और Q100 इनर्जाइज हो रही है अभी, लेकिन कब इनर्जाइज होगी बस इस इंटरलॉक का यहाँ पे महत्व है। और पूछा भी मैंने यही था कि भाई C118 का NC इंटरलॉक जो है Q100 की ब्रांच पर क्यों लगाया। ये देखो, टेम्पोराइज इंटरलॉक है, टेम्पोराइज टू क्लोज। ये है तो NC इंटरलॉक, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है? जब C118 ओपन हो, या यूं कह सकते हो डी इनर्जाइज हो, तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ लगा ही रहता है। जब C118 कॉन्टेक्टर ओपन रहता है, ये इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, NC इंटरलॉक कहते हैं। अब यहाँ पे इस टेम्पोराइज का क्या महत्व है? तो यहाँ ये समझने वाली बात है, जब हम आर्नो को स्टार्टिंग फेज देते हैं C118 को क्लोज करके, तो स्टार्टिंग फेज वापस सप्रेस होना है। सप्रेस का मतलब है कटना, अलग होना। यानी कि जब स्टार्टिंग फेज वापस कट जावे, कट जाएगा तो C118 ओपन हो गया, मतलब स्टार्टिंग फेज कट गया, उसको बोलते हैं सप्रेस होना। तो जब कट जाएगा तो तब ये 5 सेकंड के बाद में ये NC इंटरलॉक यहाँ लगेगा। टेम्पोराइज है, 5 सेकंड टू टेम्पोराइज टू क्लोज है। C118 के ओपन होने के 5 सेकंड के बाद ही ये NC इंटरलॉक यहाँ लगेगा और फिर हमेशा के लिए लगा रहेगा। जब C118 क्लोज होगा, दोबारा से कभी DJ क्लोज करेंगे तब ये वापस खुल जाएगा, यहाँ से फिर वापस ओपन हो गया, 5 सेकंड के बाद इधर लगेगा। ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जब हम DJ क्लोज करते हैं, आर्नो चालू होता है, तो हम चाहते हैं कि Q100 रिले जो है आर्नो के पूरी तरह चल जाने के 5 सेकंड के बाद ही इनर्जाइज हो, ताकि Q100 के एनो इंटरलॉक से कंट्रोल होने वाली जो ऑक्सिलरियाँ हैं, यानी कि MVRH, MVMT1, MVMT2, MCP1, 2, 3, ये जो ऑक्सिलरियाँ हैं, ये आर्नो पूरी तरह स्पीड पकड़ ले, आर्नो के साथ जो ऑक्सिली चलने वाली 5 ऑक्सिली वो चल जावे, उसके बाद ही ये ऑक्सिलियाँ चलनी चाहिए। इस शर्त को मंजूर कराने के लिए हमने यहाँ पे C118 का NC इंटरलॉक, वो भी टेम्पोराइज लगाया है। यानी कि आर्नो ठीक तरह से स्टार्ट हो जाने के 5 सेकंड बाद ही Q100 इनर्जाइज होगी और 5 सेकंड के बाद फिर ये ऑक्सिलियाँ जो है क्रमानुसार चलेगी। इस तरह आर्नो के ऊपर अत्यधिक लोड नहीं पड़ेगा और आर्नो जो है ठीक तरह से काम करेगा। तो इसलिए ये C118 का NC इंटरलॉक, वो भी टेम्पोराइज Q100 की ब्रांच पर लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसको राउंड फिगर में बोले तो क्या कहेंगे? आर्नो को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, आर्नो की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। एक वीडियो में और भी बनाऊंगा कि आर्नो की सुरक्षा के लिए क्या क्या लगाया गया है, तो उससे भी और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे इस इंटरलॉक का समझाना था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ गया हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट का उत्तर अवश्य दूंगा। लोग अच्छा, सभी लोग ध्यान रखें कि कमेंट वीडियो से रिलेटेड, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो से रिलेटेड ही कमेंट करना चाहिए। अब देख रहे हैं कन्वेंशनल लोगों और कमेंट करते हैं 3 फेज लोगों का, तो 3 फेज लोगों के भी मैंने सर्किट डाले हुए, वहाँ जाके उसका आप कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, खबरी ऐप पे मेरा जो ऑडियो का चैनल है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो खबरी ऐप पे भी मुझे फॉलो कीजिए और बहुत बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो सुनिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके परिवार वालों को भी सुनाइए, आप भी सुनिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।